क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सा टेन ए के बराबर है? ऑप्शन में है रूट अंडर वन प्लस सेक के स्क्वायर ए, यहाँ पर ए होगा ठीक है, सब में ए होगा, सब में छोटा है ए। तो देखिए ऑप्शन में चार दिया है ऑप्शन, आपको बताना है टेन ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले टेन और सेक के रिलेटेड में आपको कौन सा फॉर्मूला है जो जानते हैं आप, टेन भी हो और उसमें सेक भी हो, और सेक क्या हो, स्क्वायर वाला हो, तब जाकर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वाला फार्मूला ढूंढिए पहले, तो अब आपको इसमें लगाना है। तो सर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, सेक के स्क्वायर थीटा, यानी कि ए है तो ए ले रहा हूँ, यहाँ पर थीटा नहीं ले रहा हूँ मैं, सेक के स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है ना ठीक है। हमको निकालना है टेन ए निकालना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेक को इधर कर दूंगा या तो टेन को इधर कर दूंगा, तो सेक स्क्वायर ठीक है, सेक स्क्वायर ए है और टेन को मैं उधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन को जब इधर में लाऊंगा ना तो इधर प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, और इधर वन को इधर ला दे रहा हूँ, या तो पहले एक एक कर रहा हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। टेन स्क्वायर ए है और इधर भी वन को ला रहा हूँ तो वन हो जाएगा माइनस वन, इधर क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा क्योंकि मैं वन को क्या किया, बराबर की इधर लाया तो माइनस हो गया, प्लस है तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, और इधर क्या बच गया, जीरो बच गया। अब इधर क्या है, सेक स्क्वायर ए और माइनस वन, और इधर में टेन को गायब कर दिया, गायब करके इधर ला दिया। अब देखिए इधर माइनस, इधर इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर ए और इधर क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, हमको क्या चाहिए, टेन ए बराबर चाहिए ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को हम हटा देंगे। जब इधर स्क्वायर हटेगा ना तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो इधर रूट में आ जाएगा तो सेक स्क्वायर ए होगा, अब माइनस वन होगा, इधर क्या बच जाएगा, अब टेन ए बच जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर पहले चाहिए हमको, सेक स्क्वायर ठीक है माइनस वन है, हाँ ऑप्शन यहाँ पर सी होगा ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही होगा।